Very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samir Lade. जैसे कि JK SSB को 4000 से ज्यादा पोस्टें JK पुलिस कांस्टेबल की जो है रेफर कर दी गई है. सो बहुत जल्दी आपके सामने SSB भी इसको ऑफिशियली नोटिफाई करेगा सिलेबस के साथ. तो आज जो मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका JK पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड 2017 का जो है पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है. तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसमें जो कंपोनेंट है वो आपका है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर. उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. और जब जैसे ही ये ऑफिशियली जो है अनाउंस हो जाएगा, SSB अनाउंस करेगा, तो इस प्लेटफॉर्म पे JK सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे हम आपको कंप्लीट कोर्स जो है प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है 2017 का, ये प्रीवियस पेपर है. मैं फिर से यहां बोलना चाहूंगा, इसमें इन्होंने ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये वाला है कि उस टाइम में गवर्नर जनरल जो है वो कौन था आरबीआई का. ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसमें, इस वाले में, कि आपको हमेशा जो आपका जो आंसर होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो जो ऑप्शन है वो बड़े नजदीक होते हैं, मगर की के हिसाब से हमने जाना है. तो इसमें आप इसका जो आंसर है वो ये है, रघुराम राजन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको इससे रिलेटेड अगर सपोज करो आ भी जाए, ये प्रीवियस ईयर का 2017 का पेपर है, इससे रिलेटेड अगर आपको आ गया पेपर में जब ये इसका एग्जाम होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये पढ़ रहे हो इंडियन इंडियन इकोनॉमी का आप पढ़ रहे हो, तो इंडियन इकोनॉमी में आपने डायनेमिक पोर्शन के ऊपर ध्यान देना है. डायनेमिक पोर्शन का मतलब करंट के ऊपर, कि अब करंट का मतलब ये आया कि करंट, जैसे हम सभी जानते हैं कि ये तो 17 का था, तो करंट में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अभी जो गवर्नर है वो कौन है, शक्ति दास, शक्तिकांत दास जी. तो वैसे ही आपको जो है अपडेट रखना है खुद को कि करंटली किसका जो है कि कौन कौन सा पर्सन है अभी करंटली. ठीक है, तो उसी तरह आ गया आपका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आ गया आपका ये 47. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैं भी थोड़ा टेढ़ा मेरा करके डाल दिया आपको जो आने वाला एग्जाम है आपका. सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है. तो व्हाइट रेवोल्यूशन एक आपने सुना होगा सभी ने, ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन वो फूड ग्रेन से रिलेटेड है, क्रॉप से रिलेटेड है. व्हाइट रेवोल्यूशन हमेशा जहां पे लार्ज स्केल में मिल्क की प्रोडक्शन हो, लार्ज स्केल में मिल्क की प्रोडक्शन हो, मिल्क से रिलेटेड, मिल्क का इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो कि इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे चॉकलेट्स या बहुत सारी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनती है. ठीक है, तो इसमें जो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल चेंज, एक बहुत बड़ा इनकलाब लाया मिल्क प्रोडक्शन में, वो कौन से पर्सन है. ठीक है, और आपको ये अच्छे से दिमाग में एकदम, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं ना व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क की, तो हमें क्या याद आता है, हमें याद आता है अमूल बटर याद आता है, है? वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि उसी अमूल बटर के साथ एक बहुत बड़े शख्स है जिनको आपने रिलेट करना है व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड. ठीक है, ये आगे वी कोरेन. ठीक है, ये इनका तो इनका ही सबसे बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन रहा है व्हाइट रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने के लिए. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके बारे में हम सभी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी बता देता हूं, अमृत सेन जी. ठीक है, ये हमारे इंडिया के इवन की वर्ल्ड के बड़े रिनाउंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, और इससे रिलेटेड इन्होंने जो यहां पूछा हुआ है कि ये कौन है, तो आपको ये ध्यान में रखना है इनका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इनका योगदान है. ठीक है, और ये तो यहां पे सिंपल सा है कि हमें पता है कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है,
इससे भी रिलेटेड नहीं है, इससे भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इनका जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा इसमें रहा है। और इसमें कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स भी आप पढ़ लो। फैक्ट्स क्या है कि 1998 में इनको इकोनॉमिक्स साइंस में क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था, ठीक है, ये डेट याद रखना है। और एक और फैक्ट इससे रिलेटेड आप याद रख लो कि 1999 में इनको भारत रत्न, भारत रत्न के अवार्ड से इनको नवाजा गया, कन्फर किया गया ये अवार्ड। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और नोबेल प्राइज तो है ही खुद में बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ जो थे आपके इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो थे, जो आपके प्रीवियस ईयर 2017 के जो जम्मू कश्मीर कांस्टेबल जो है, जो पोस्टें रेफर की गई है और शॉर्टली नोटिफाई होंगी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा हमने इसको प्रैक्टिस किया। तो मैं फिर से यही आपको बोलना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे, जेके सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे, ये जो जब भी जैसे ही ऑफिशियली अनाउंस होगा तो आपके लिए पूरा का पूरे जितने भी कंपोनेंट होंगे कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।